क्लास सेवन मैथ एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है? फर्स्ट 2/7 ऑफ 3/4, 2/7 ऑफ 3/4 ग्रेटर है या 3/5 ऑफ 5/8, दोनों में से ग्रेटर कौन है? तो ग्रेटर निकालने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करके एक फैक्टर में दोनों को निकालना तो पड़ेगा, बाद में ग्रेटर और स्मॉलर तो बाद में हम देख सकते हैं, पहले तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कीजिए, क्या होगा, सिंस ठीक है 2/7 ऑफ 3/4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/7 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 2 × 3/7 × 4 ओके 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 इक्वल टू क्या हो गया 1 × 3 = 3, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का नीचे से, कटिंग करने के बाद भी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 × 2 = 14, तो ये पार्ट आ गया ठीक है। एन ठीक है, सिंस ये इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका वैल्यू निकालेंगे 3/5 ऑफ 5/8, 3/5 ऑफ 5/8 का मतलब क्या होगा, 3/5 × 5/8 होगा ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 3 × 5/5 × 8 ओके 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5 इज इक्वल टू कितना होगा 3 × 1 = 3/8 ओके। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू ये आया, इसका वैल्यू ये आया ठीक है, तो हम दोनों कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ नंबर, कंपेयरिंग बोथ नंबर क्या क्या, 3/14 एंड 3/8 ठीक है, बिना डिनोमिनेटर बराबर हुए, इक्वल हुए, हम कंपेयर कर, हम बता ही नहीं सकते कौन ग्रेटर है कौन लेसर है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना पड़ेगा, तो 14 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 14 एंड 8 इज क्या हो जाएगा, 14 8 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ठीक है, 14 और 8 का कितना हो जाएगा 56, एलसीएम हो जाएगा 56 ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/14 को हम कैसा लिख सकते हैं, 3/14 × 4/4 ओके, डिनोमिनेटर के साथ इसको हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट बचता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 12/56 ठीक है, और कितना है 3/8, 3/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/8 × क्या होगा 7/7 इज इक्वल टू 21/56 ठीक है, तो क्या लिखेंगे 12/56 है और 21/56 है ठीक है, तो सिंस ही लिख दीजिए, सिंस क्या है 21/56 जो है इज ग्रेटर देन 12/56 ठीक है, 21/56 ये जो हमने वैल्यू निकाला, ये वैल्यू में 21/56 12/56 से बड़ा है ठीक है, इज ग्रेटर देन का हमने साइन लगाया, तो क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि बताना हमको ग्रेटर है, सो क्या होगा कि
21 बाय 56 यदि बड़ा है तो 3 बाय 8 बड़ा है, इसका मतलब 3 बाय 8 जो है ग्रेटर देन है 21 बाय 56 को। किस कौन बता रहा है? 3 बाय 8 ही बता रहा है 21 बाय 56 को, तो ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। ठीक है, तो ये बड़ा है तो ये बड़ा हुआ। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? 3 बाय 8 कहां से आया? 3 बाय 8 कहां से आया? 3 बाय 5 और 5 बाय 8, तो देयरफॉर 3 बाय 5 ऑफ 5 बाय 8 क्या है? ग्रेटर है देन किससे? 2 बाय 7 ऑफ 2 बाय 7 ऑफ 3 बाय 4। आ गया समझ में? हमको क्या बताऊंगा? विच इज ग्रेटर, तो हमने बता दिया कि 3 बाय 5 ऑफ 5 बाय 8 जो है ग्रेटर है। कैसे बताया हमने? तो हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लिए, उस वैल्यू को के एलसीएम को, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर को हमको सेम करना पड़ेगा, तो सेम करने के लिए कंपेयर कर लेते हैं दोनों नंबर को। तो कंपेयर करने के लिए हमको हमने क्या किया कि एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाल के वैल्यू दिखा दिया कि हम जो है दोनों का 12 बाय 56 आ रहा है, इसमें 21 बाय 56 बड़ा है, ये दिखा दिया 21 बाय 56 बड़ा है, ये बड़ा है इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है मतलब इससे बड़ा है, तो 3 बाय 8 बड़ा है, 3 बाय 8 कहां से आया है? 3 बाय 5 और 5 बाय 8 से आया है, तो 3 बाय 5 और 5 बाय 8 जो है वो क्या है? बड़ा है 2 बाय 7 और 3 बाय 4 से। ठीक है, तो ठीक है ऐसा लिख सकते हैं या लास्ट में आप लिख सकते हैं कि 3 बाय 5 और 5 बाय 8 ग्रेटर देन बोल के लिख सकते हैं, लेकिन ये ग्रेटर हमारा साइन से ही अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया।